फ्रेंड्स, आज का वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक राइटर है और मान लीजिए भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपने कोई कहानी लिखी हो, कोई स्क्रिप्ट लिखी हो और इत्तेफाक से वो स्क्रिप्ट, वो कहानी किसी दूसरे फिल्म की कहानी से मैच हो जाए जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है या फिर रिलीज होने वाली है, या फिर ऐसा हो कि वो स्टोरी आप किसी को सुनाए, किसी प्रोड्यूसर को सुनाए और उसे वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा अपने ढंग से लिख करके उसे, उस पर फिल्म बना करके वो उसे रिलीज कर दे। तो अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपको पहले से क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए ताकि आपकी कहानी जो है वो किसी से मैच ना हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी राइटर्स के लिए, क्योंकि अगर ये टेक्निक सभी राइटर्स को मालूम होगा तो उनकी कहानी कभी भी किसी दूसरे फिल्म की कहानी के साथ मैच नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को भी देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, आपने उस पर बहुत मेहनत किया और वो स्क्रिप्ट किसी दूसरे फिल्म की स्क्रिप्ट से मैच कर गई, या फिर आपने प्रोड्यूसर को सुनाया और वो प्रोड्यूसर ही आपके फिल्म की कहानी को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, थोड़ा सा उसमें कुछ थोड़ा बहुत फेर बदल करके वो अपने ढंग से उसे लिख करके उसे रिलीज कर दिया, तब आप क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या पहले से प्रिकॉशंस लेना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप फिल्म की कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं तो कॉन्सेप्ट में एक आप ऐसी चीज जरूर डालें जो एकदम यूनिक हो। भले मान लीजिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हो, लेकिन आपको उसमें एक यूनिक चीज डालनी चाहिए, एक अलग चीज डालनी चाहिए जो किसी दूसरे से मैच ना हो सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए कि अगर आप मूवी बना रहे हैं चाइल्ड लेबर पर, यानी बाल मजदूर पर, तो आप ये जानते हैं कि बाल मजदूर पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी होंगी, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनी होंगी, यहां तक कि फीचर फिल्म्स भी बनी होंगी। अब बात यह आ जाती है कि आप अपने फिल्म को उन सभी फिल्मों से अलग कैसे करेंगे। तो देखिए, आपके फिल्म का कॉन्सेप्ट जो भी है, आपके फिल्म का वन लाइनर जो भी है, आपके फिल्म का स्क्रिप्ट जो भी है, आपको उसमें कुछ ऐसा यूनिक चीज डाल देना चाहिए जिससे आपकी कहानी जो है वो दूसरे फिल्मों से अलग हो जाए। तो अगर चाइल्ड लेबर पे मान लीजिए आप एक फिल्म बना रहे हैं तो उसमें चाइल्ड लेबर का जो मेन सब्जेक्ट है उसे लेकर के चलते हुए आपको एक यूनिक चीज, एक अलग चीज उसमें डाल देनी चाहिए ताकि दूसरे की कहानी से वो मैच ना हो सके। अब देखिए, यहां पर एक बात यह आ जाती है कि यह टेक्निक तो काम करेगा जब मान लीजिए कि आप अपने फिल्म को दूसरे फिल्मों से अलग करना चाहते हैं। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कोई प्रोड्यूसर ही आपकी कहानी को थोड़ा मॉडिफाई कर ले और उस पर फिर अपनी ही फिल्म बना दे, तो आप क्या करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो नॉर्मल है, एकदम सीधा साधा कॉन्सेप्ट है जो कि कॉमन कॉन्सेप्ट है, तो उस पर फिर आप प्रोड्यूसर पे केस नहीं कर पाएंगे और राइटर्स एसोसिएशन भी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके कहानी का कॉन्सेप्ट कुछ एकदम अलग है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो अगर प्रोड्यूसर उस कॉन्सेप्ट को चोरी कर लेता है तो फिर उसे उसका भरपाई करना पड़ेगा। तो याद रखें कि इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने कहानी में कुछ यूनिक चीज को जरूर डाल दें। आई होप कि सभी राइटर्स को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि यूनिक चीज से मेरा मतलब क्या है, यानी ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई पंच, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट में ही ऐसा कुछ पार्ट आप डाल दें जहां पर वो दूसरे फिल्मों से अलग हो जाए। उस तरह की जो पार्ट आप दिखा रहे हैं फिल्म में, वैसा किसी भी फिल्म में दिखाया गया हो ऐसा संभावना बहुत कम रहे, तो इस तरह की कोई चीज को आप डाल दे। तो ऐसे में क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए कि किसी प्रोड्यूसर को सुनाते भी है, वो उसे थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के लिख भी लेता है, तो भी आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपने उसे लिखा है तो बहुत कम चांसेस रहेंगे कि वो किसी दूसरे फिल्म जो रिलीज हो चुकी है उससे मैच हो जाए, तो आप दोनों तरफ से सेफ रह जाएंगे। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है एक राइटर के लिए और इसे हमेशा फॉलो करते हुए एक राइटर को चलना चाहिए ताकि वो सेफ रह सके। तो ऐसे में ना तो उसकी स्क्रिप्ट चोरी होगी और ना ही उसकी स्क्रिप्ट किसी दूसरे फिल्म की स्क्रिप्ट से मैच होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत ही काम की लगी होगी ये वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए
बाय बाय।